हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल है अकाउंट ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बेहद खूबसूरत धोती सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो लेकर आई हूँ। तो गाइस, बेसिकली ये धोती सलवार 2 इयर्स बेबी गर्ल के लिए है। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए होने वाली है। तो मैंने धोती की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से बताने की कोशिश की है, तो आई होप आपको समझ में आएगी। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो ज्यादा फालतू बकवास किए बिना जल्दी से आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सलवार की कटिंग के लिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं सेम साइज के, जिनकी लंबाई चौड़ाई 17.5 इंच है। अब मैं इन पार्ट्स की डायगोनल पे से इसको फोल्ड करूंगी और यहाँ मैं अपना क्रॉच एरिया 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बेल्ट भी प्लस होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्रॉच एरिया अपना लेना पड़ेगा। देन मैंने यहाँ 1 इंच पे मार्क करके और इसको क्रॉच एरिया का शेप दे दिया है। और यहाँ मुझे अपनी जो सलवार की लेंथ लेनी है उसके अकॉर्डिंग मैं मार्किंग कर रही हूँ। लेंथ के लिए मैं 15 इंच पे मार्क किया है और इसको एक तिरछा शेप दे दिया है नीचे से मोहरी को, और यहाँ मैं इसको कट कर लूंगी। तो पहले मैं क्रॉच एरिया कट कर रही हूँ, देन ये जो मेरी मोहरी है मैं उसको कट कर रही हूँ। तो हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। तो अब मैंने इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लिया है, तो अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो ये मेरे 2 क्रॉच एरियाज हो गए हैं और ये मेरा एक ही पार्ट है। तो अब मैंने दूसरे पार्ट को भी रख लिया है और दोनों के क्रॉच एरियाज को मिलाकर मैं रख रही हूँ। तो अब यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूंगी। तो टोटल मैंने 2 जगह सिलाई लगाई है। अब यहाँ मैंने ये बेल्ट ली है, तो जिसकी लंबाई मैंने 13.5 इंच ली है और चौड़ाई 4 इंच ली है, तो इसको भी मैंने यहाँ से सिलाई लगा ली है। तो अब ये जो मेरी बेल्ट है इसको मैं टोटल 4 जगह पे कट्स लगा रही हूँ, एक फ्रंट पर, एक बैक पर और एक लेफ्ट और एक राइट पर। तो इनको कट्स लगाने के बाद ये जो मेरे सलवार के कॉर्नर हैं इनको भी मैं कट्स कर रही हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि मैं किस तरह से मैंने ये कॉर्नर को रखा है, और ये जो मेरी बेल्ट थी, बेल्ट के लेफ्ट या राइट वाला कोई भी हिस्से आप ले सकते हैं। और इसको इस पर रख कर और यहाँ से मैं प्लेट्स डालना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ मैं पिन लगा रही हूँ और मैं प्लेट्स ऐसी डाल रही हूँ। तो यहाँ मैं चौड़ी चौड़ी प्लेट्स डाल रही हूँ, पतली पतली नहीं डाल रही हूँ। अब ये जो मेरा क्रॉच एरिया की जो सिलाई थी वो मेरी आ गई है फ्रंट वाले कट पर, और यहाँ मैंने टोटल 5 प्लेट्स डाली हैं। तो इन प्लेट्स पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से सिलाई लगाते हुए भी हम प्लेट्स डाल सकते हैं। तो इन प्लेट्स का जो रुख होता है वो आमने सामने होता है, तो इनको मैं इस तरह से प्लेट को डालती जा रही हूँ और दूसरी तरफ इनका रुख करती जा रही हूँ। तो टोटल मेरी 4 जगह मेरी प्लेट्स पड़ी हैं और हर जगह मेरी मैंने 5-5 प्लेट्स डाली हैं, तो टोटल मेरी 20 प्लेट्स पड़ी हैं इस पूरी सलवार में। तो अब ये हमारी प्लेट्स डल चुकी हैं और देखिए मैंने किस तरह से इन प्लेट्स को डाला है। प्लेट्स डालने के बाद अब अपना पांचा तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने बीच में से इसको कट लगा लिया है। तो दोनों पांचे पर मैं यहाँ में कट लगा रही हूँ
और कट लगाने के बाद मैंने इसको उल्टा करके रखा है, तो यहाँ से कट से मैं 4 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ दोनों साइड। तो ये जो मैंने 4 इंचेस पर मार्क किया है, अब यहीं से मैं फोल्ड करूँगी पतली सी किनारी। तो यहाँ मैं एक बार इसको फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। तो जो भी हमारे कर्व्ड एरिया होते हैं, तो वहाँ हमें डबल फोल्ड करके डायरेक्ट सिलाई नहीं लगानी चाहिए। पहले एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा लो, एंड देन दोबारा एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा लो। तो इस तरह से सिलाई अच्छे से लग जाती है और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर भी ऐसा ही किया है, एक बार लगाने के बाद फिर दोबारा मैंने फोल्ड करके सिलाई लगाई है। तो दूसरे पार्ट में भी मैं सेम ऐसा ही करूँगी। तो ये मेरे पांचे तो हो गए हैं रेडी। अब यहाँ जो भी मेरे फिटिंग रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग वैसे रख सकते हैं। यहाँ मैंने 4 इंचेस पर मार्क करके सिलाई लगा ली है। तो अभी मेरी सलवार की फिटिंग की सिलाई भी लग चुकी है। अब यहाँ मैं बेल्ट में इलास्टिक को डाल के यहाँ मैं सिलाई लगाऊंगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं इसको इलास्टिक को अंदर दबाते हुए इसको इलास्टिक को अंदर दबा के सिलाई लगा लूंगी। और यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ मैं बीच में दोबारा सिलाई लगाऊंगी ताकि इलास्टिक घूमे नहीं। तो इसको मैं खींच के यहाँ बीच में सिलाई लगा रही हूँ, आगे से खींच रही हूँ और फिर पीछे से भी खींच रही हूँ और बड़ी टाँके से सिलाई लगा रही हूँ। और ये देखिए मेरी सलवार मेरी रेडी हो चुकी है। धोती सलवार का फाइनल लुक गाइस आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।